या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वा अला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह वा अला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वा अला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह वा अला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशा अल्लाह, हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों की शाम। बच्चों की शाम प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में होते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स, जिसको इंशाल्लाह आज भी जो है हम तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज करेंगे, फिर इसके बाद जो है कलाम की जानिब जाएंगे और जो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स भी शामिल करते रहेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो है आप सब जो है शुरू से आखिर तक प्रोग्राम में शिरकत फरमाइएगा। आए प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई सख्त हाजत आ जाए तो उसे चाहिए कि मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि ये मुसीबतों और तकलीफों को दूर कर देता और रोजी में बरकत और हाजत को पूरा करता है। सुभान अल्लाह। तो आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो आए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिसके बाद जो है हम आज का सवाल भी करेंगे आपसे। तो आपने जो है आज का सवाल भी सुनना है और फिर जो है उसका जवाब भी देना है। तो आए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, पहला सेगमेंट है तिलावत कुरान पाक और हमारे साथ जो है कैसा भी मौजूद है। जी, आपका नाम? मोहम्मद सालिम रजा। माशा अल्लाह। जी सालिम भाई, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरतुल बलद। माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, जहाँ कहीं पर भी तिलावत कुरान पाक हो रही हो, हमें जो है अदब व एहतराम के साथ तिलावत कुरान पाक को सुनना चाहिए और बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप जो है हाथों को बांध लीजिए और सरों को झुका लीजिए। जी शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आए बढ़ते हैं प्रोग्राम बच्चों की शाम के सेकंड सेगमेंट की जानिब जिसमें जो हम आपसे आज का सवाल करते हैं और सेगमेंट का नाम भी यही है कि आज का बच्चों की शाम। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट है आज का यहाँ आज का सवाल सेगमेंट और सेगमेंट में जो है हम किड्स मदनी चैनल के नाजरीन से आज का सवाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का सवाल है बताइए सफा और मरवा नाम के मुबारक पहाड़ किस मुकद्दस शहर में हैं। सफा और मरवा नाम के मुबारक पहाड़ किस मुकद्दस शहर में हैं। तो आए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन प्रोग्राम बच्चों की शाम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों सेगमेंट है कलाम और हमारे साथ जो है नाथखा भी मौजूद है मिसवान भाई मौजूद है। मिसवान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। जी मिसवान भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप हमें? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माशा अल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रे रागामत। बरसता नहीं देख कर अब रे रागामत। बताओ पर भी बरसाते बरसाने वाले। बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रगे चर चारगेगा रगेगा
शफाअत की साथ अबाई शफाअत की साथ अबाई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले जरा चैन ले मेरे घबराने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले दम में ना आना कहाँ तुमने रखे हैं चंदेराने वाले हाँ तुमने देखे हैं चंदेराने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले अल्लाह माशा अल्लाह मिसवान भाई आपने हमें जो है कलाम सुनाया अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए अल्लाह पाक आपको भी हम सबको भी बार 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 मीठे मीठे मदीने की बादब हाजरी नसीब फरमाए आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आपने सुना कलाम और सेगमेंट था कलाम का। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम बच्चों की शाम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसका नाम है तज़किरा है नेको का। बच्चों की शाम प्यारे प्यारे बच्चों सेगमेंट है तज़किरा है नेको का। हमारे साथ जो है रशाद भाई मौजूद हैं। कैसे आप रशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। कैसे हमजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। जी शुरू करें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन इस सेगमेंट में आज हम एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सुनेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं जिनका नाम हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 2 साल पहले आपकी पैदाइश हुई थी और कुछ हिस्ट्री बुक्स में 4 साल का फ़र्क लिखा है। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आपके मुसलमान हो जाने से बहुत ज्यादा इस्लाम और मुसलमानों को फायदा हुआ क्योंकि तमाम कुरैश में आप बहुत ज्यादा बहादुर थे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको असदुल्लाह व असदुर रसूल यानी अल्लाह और उसके रसूल का शेर का खिताब अता फरमाया। 3 हिजरी में जंगे उहद में शहीद हुए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार मुबारक मदीना शरीफ में उहद पहाड़ के पास अपनी बरकतें लुटा रहा है। नारे लगाते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती सब सहाबी आज भी जन्नती जन्नती यार याराने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हर सहाबी ये नबी जन्नती 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 जन्नती। जी तो सेगमेंट था तस्करा है नेको का जो कि जो है रशाद भाई ने किया। अल्लाह पाक रशाद भाई को उसकी बरकत नसीब फरमाए आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम बच्चों की शाम को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे अब्बा भाई मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है कि मत्ताई मुकर्रमा में हम सबका पता चला कि
मदनी चैनल जजाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाल्लाह। आपने जो है आज के सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में दुरुस्त जवाब अर्ज करने की कोशिश करूंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद कोकब रजा है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब मक्का मुकर्रमा है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। फातिमा तारिया मीन चैनल से, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी मक्का शरीफ में। माशाअल्लाह आपने भी जो है आज के सवाल का जवाब दिया, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में दुरुस्त जवाब अर्ज करने की कोशिश करूंगा। तो आए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम बच्चों की शाम में बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है आज की सुन्नत। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों सेगमेंट है आज की सुन्नत। सेगमेंट है आज की सुन्नत और हमारे साथ जो है अहमद रजा भाई मौजूद हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हमजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शुरू करें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है आज की सुन्नत और आज जिस सुन्नत के बारे में हम सुनेंगे इसका रिलेशन है हमारे बालों से। आप सोच रहे होंगे वो क्या, चले मैं बताता हूँ। वो ये सर और दाढ़ी के बालों में तेल लगाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नूर वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम भी अपने मुबारक सर और दाढ़ी में भी तेल लगाते थे। अभी तो हम बच्चों की दाढ़ी नहीं आई, लेकिन नियत तो हम कर सकते हैं कि जब बड़े होंगे और हमारी दाढ़ी आएगी तो दाढ़ी रखेंगे भी और इसमें तेल भी लगाएंगे। लेकिन जब तक दाढ़ी नहीं, सर के बाल तो हैं, इनमें ही तेल लगाकर हम इस सुन्नत पर अमल कर सकते हैं। बाज़ बच्चे तेल लगाने से बहुत भागते हैं और यूं अपनी अम्मी को परेशान करते हैं। इस तरह एक तो सुन्नत पर भी अमल नहीं हो पाता और दूसरा अम्मी भी परेशान होती हैं और तीसरा बालों में तेल लगाने के जो फ़ायदे हैं वो भी हासिल नहीं हो पाते। चले आए मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ। बालों में तेल लगाने से बाल बड़े भी होते हैं और इनमें चमक भी पैदा होती है। अगर बालों में ठीक तरह से तेल लगाया जाए तो बाल मजबूत भी होते हैं। तेल लगाने से मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई तेल लगाए तो बहुओं यानी आईब्रोज से शुरू करे, इससे सर का दर्द दूर होता है। अब मैं आपको तेल लगाने का तरीका भी बताता हूँ। नंबर वन, सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, क्योंकि हदीस पाक में है जो बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए तो 70 शैतान इसके साथ तेल लगाने में शरीक हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। नंबर टू, लेफ्ट हैंड की हथेली में थोड़ा सा तेल डालें, फिर पहले सीधी आंख की आईब्रो पर तेल लगाएं, फिर उल्टी आंख की आईब्रो पर लगाएं। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर सर में तेल डालें। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाइन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजरीन, सेगमेंट था आज की सुन्नत जो के जो है अहमद रजा भाई ने किया। अल्लाह पाक अहमद रजा भाई को इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। गाय प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम बच्चों की शाम में बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी होता है और इंफॉर्मेटिव भी होता है और जो है उसमें मुकाबला भी होता है। तो आए बढ़ते हैं बहुत ही प्यारे से सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रेडी स्टडी एंड बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों सेगमेंट है रेडी स्टडी एंड रेडी स्टडी एंड गो सेगमेंट है। पहले जो है दोनों टीमों को बुला लेते हैं, फिर जो है मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। जी टीम मक्की तशरीफ लाए। जी टीम मक्की आ चुकी है, अब टीम मदनी को भी बुला लेते हैं। जी टीम मदनी भी आ चुकी है, तो आए अब जो है तारुफ भी ले लेते हैं। जी आपका नाम? अहमद मुज्तबा। अहमद भाई है। और आपका नाम? अहमद रजा। अहमद रजा, दोनों अहमद रजा हैं टीम मक्की में। और टीम मदनी में कौन कौन है हमारे साथ? माइक में बताए ना। फरहाद रजा। फरहाद भाई। और आप?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غلام مرتضى. غلام مرتضى भाई आप दोनों हैं टीम मदनी में, तो आए मैं आपको जो है इस सेगमेंट का फॉर्मेट बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा ये कि जो है दो टीमें मौजूद हैं, इन दोनों टीमों के बीच जो है मुकाबला होगा। मैं सवालात करूंगा और वो देंगे उनके जो बात। दो राउंड्स होंगे, दोनों राउंड्स बजर राउंड होंगे इंशाअल्लाह। और जो है जो पहले राउंड में टीम जीतेगी उसको जो है हम वो तो जीत जाएगी, लेकिन जो हारेगी उनको जो है हम ऑप्शन देंगे कि आपको कंटिन्यू करना है या फिर जो है गिफ्ट लेकर जाना है। अगर वो कहते हैं कि हमें कंटिन्यू करना है तो हम जो है उनको मौका जरूर देंगे, लेकिन अगर वो दूसरे राउंड में भी हारे तो फिर जो है कोई तोहफा नहीं मिलेगा। और अगर वो कहते हैं कि हमें तोहफा लेकर जाना है तो फिर जो है हम इनको तोहफा देंगे और फिर जो है वो प्रोग्राम से चले जाएंगे। और जो टीम जीती थी वो इन दोनों टीमों में, टीम मक्की और टीम मदनी में जो है डिवाइड हो जाएंगे, एक बंदा उनका दूसरी टीम में चला जाएगा। तो आप सबको फॉर्मेट समझ आ गया जी? शुरू करें सेगमेंट जी। कहां शुरू करते हैं? सेगमेंट रेडी स्टेडी एंड गो का राउंड वन। लेकिन उससे पहले जो है दोनों की बजर चेक कर लेते हैं। आप बजर बजाए जी। टीम मक्की की बजर बिल्कुल सही चल रही है, आपकी बजर टीम मदनी की बजर भी बिल्कुल सही चल रही है। आए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है रेडी स्टडी एंड गो का राउंड वन जी। सवाल है, वुजू में हाथों का मसाह कितनी बार किया जाता है? जी टीम मदनी आंसर दें। वुजू में हाथों का मसाह नहीं किया जाता बल्कि सर का मसाह किया जाता है। जी हाँ, वुजू में सिर्फ सर का मसाह किया जाता है और किसी का नहीं, इसलिए हाथों को भी धोते हैं मसाह नहीं करते। जी जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुमे के दिन कितनी बार दुरुद पाक पढ़ने वाले के लिए 80 साल के गुनाह मुआफ होने की बशारत है? जी टीम मक्की 80 बार। हाँ 80 बार। जी जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुरान पाक में मौजूद रुकू की तादाद बताइए। जी टीम मदनी 540। 540, माशा अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हज्जतुल वदा के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस ऊंटनी पर खुतबा इरशाद फरमाया था उसका नाम बताइए। जी टीम मदनी आंसर दें। कसवा। जी हाँ, मैंने सवाल किया था हज्जतुल वदा के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस ऊंटनी पर खुतबा इरशाद फरमाया था उसका नाम बताइए, और आपने जवाब दिया कसवा, जो के दुरुस्त जवाब है, माशा अल्लाह। अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दम करते वक्त कौन सी सूरत की तिलावत फरमाते थे? जी टीम मक्की सूरतुल फातिहा। जी जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह। अगला सवाल, हदीस पाक में किस चीज को निस्फ यानी हाफ ईमान फरमाया गया है? जी टीम मक्की आंसर दें। सवाल क्या था? सवाल था हदीस पाक में किस चीज को निस्फ यानी ईमान फरमाया गया है? सफाई को। अरे जवाब मान लेते हैं, लेकिन आपने सवाल सही से नहीं सुना था तो बजर क्यों बजाई थी? चले सही है, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, माशा अल्लाह। अगला सवाल, इकामत बैठकर सुननी चाहिए या खड़े होकर? जी टी मक्की इकामत बैठकर सुननी चाहिए। इकामत बैठकर सुननी चाहिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह। अगला सवाल, कोई एक आसान नेकी बताइए। टीम मदनी आंसर दें। वक्त पे नमाज पढ़ना। चले और दूसरी कोई बता दें। दुरूद शरीफ पढ़ना। जी हाँ, ये सब आसान नेकी है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपने जो दोनों जवाब दिए वो दोनों जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्नत में ले जाने वाला कोई एक अमल बताइए। जी टीम मक्की नमाज से पहले मिसवाक करना। सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सवाल है, जन्नत में ले जाने वाला कोई एक अमल बताइए, और आप दोनों जो है फाइनल आंसर, ये लास्ट आंसर बताएं।
नमाज से पहले मिसवाक करना। चलें ठीक है, नमाज से पहले मिसवाक करना और वक्त पर नमाज पढ़ना, आप दोनों ने जो जवाब दिए वो दोनों के दोनों जवाब दुरुस्त है। लेकिन जो है टीम वर्क नजर नहीं आ रहा, टीम कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पा रही आप लोगों की, क्यों देख लें, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की जानिब बढ़ते हैं और सवाल है, अबू हफ्स कौन से सहाबी रदी अल्लाह अन्हु की कुनियत है? टीम मदनी आंसर दें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है। जी हाँ, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ जो है राउंड वन कंप्लीट हुआ और दोनों के बीच ये राउंड वन टाई हो चुका है क्योंकि दोनों ने जो है पांच पॉइंट्स हासिल किए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जो है राउंड टू शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारी बात बता देता हूँ कि हमें जो है हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आखिरत के मामले में थोड़ी देर सोचना कितने साल की इबादत से बेहतर है? टीम मक्की आंसर दें। 60 साल। 60 साल की जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, बताइए जमीन और आसमान को किस दिन पैदा किया गया? टीम मदनी आंसर दें। आशूरा के दिन। आशूरा के दिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल, किस शख्स के लिए शहीद का सवाब लिखा जाता है? जी टीम मक्की कोई एक चीज बताइए। जो मुसलमान जुमातुल मुबारक के दिन इंतकाल फरमा जो इंतकाल करे उसके लिए। जी हाँ, जो मुसलमान जुमातुल मुबारक के दिन इंतकाल करे उसके लिए जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, बतूल जहरा कौन से सहाबिया रदी अल्लाह अन्हा का लकब है? जी टीम मदनी आंसर दे, कौन सी सहाबिया रदी अल्लाह अन्हा का लकब है? हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का लकब है। थोड़ा आराम से दुरुस्त जवाब दें। हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का लकब है। जी हाँ, हजरत बीबी फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह अन्हा का जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया था? टीम मदनी ने जो है पहले बजा दी है, सवाल मुकम्मल नहीं हुआ इसलिए टीम मक्की आपको मौका दिया जाएगा। जी सवाल दोहरा दे। सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। सवाल है, अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान का नाम बताइए। टीम मक्की। हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल, पहले सलाम करने का कोई एक फायदा बताइए। जी टीम मक्की। पहले सलाम करने वाला तकब्बुर से बच जाता है। यहाँ पहले सलाम करने वाला तकब्बुर से बच जाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसके बाल सफेद हुए? टीम मदनी आंसर दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल, बताइए सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? जी टीम मदनी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। अगला सवाल जो के आखिरी सवाल है, राउंड टू का सवाल है, जिब्रील अमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए? टीम मदनी आंसर दें। तकरीबन 24,000 बार। तकरीबन
24,000 बार जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजरीन, मुकाबला बहुत सख्त रहा। दोनों ने जो है बहुत अच्छे अच्छे सवालात के जवाब दिए, तकरीबन सबने ही दुरुस्त जवाब दिए, बल्कि सबने सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए। और इसी के साथ जो है दोनों के दोनों राउंड्स में दोनों टीमों ने सेम यानी इक्वल पॉइंट्स हासिल किए हैं। यानी मैंने 20 सवालात किए और दोनों टीमों ने जो है 10-10 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए, इसलिए जो है मुकाबला यहाँ पर टाई हुआ। इसलिए जो है दोनों को इक्वल तोहफे दिए जाएंगे। जब तक हम तोहफे दे रहे हैं तब तक जो है कॉल शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम बच्चों की शाम में। जी आपका तोहफा। मैं डेरा गाजी खान से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है जज़ाकअल्लाह खैर। अहमद अहमद अदा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है मक्का मुकरमा। मरवा पहाड़ मक्का शरीफ में है। अली हैदर बोल रहा हूँ। मेरा नाम आशा बीबी अतारिया है और मैं डेरा मुराद जमाली से बोल रही हूँ। और आज आपके सवाल का जवाब है मक्का फिल मुकरमा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मेरा नाम उम्मीद है, मैं सब जाना फेस कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों भी हम बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छे से हमजा भाई, मैं आज आपसे सवाल का जवाब दूंगी। सवाल का जवाब है मक्का शरीफ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा है, मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मेरा नाम जन्नत है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको सुनाऊंगी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अच्छा बहुत सारी कॉल्स आई और सब ने जो है सवालात के जवाब दिए। जी तो मैं अब आपको दुरुस्त जवाब बता देता हूँ प्यारे बच्चों। मैंने सवाल किया था सफा और मरवा नाम के मुबारक पहाड़ किस मुकद्दर शहर में है, जिसका दुरुस्त जवाब है मक्का शरीफ में। सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजरीन, इसी के साथ जो है प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा और दुरुस्त जवाब है मक्का शरीफ में। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। बार बार मक्कतुल मुकरमा की हाजरी नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। किड्स मदन चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।